हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। और देख लो, एक आपकी रॉयल एनफील्ड और दूसरे आपकी हीरो, दोनों ही मेड इन इंडियन कंपनी है और दोनों 400 सीसी सेगमेंट के ऊपर की बाइक्स हैं। तो भाई, रॉयल एनफील्ड की आपकी 450 और मैवरिक आपकी हीरो की 440। तो रॉयल एनफील्ड में 450 सीसी का इंजन है, मैवरिक में 440 सीसी का इंजन है। रॉयल एनफील्ड में आपका 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ में आता है और लिक्विड कूल इंजन है। मैवरिक में भी 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है, बट यहाँ पे ऑयल कूल इंजन है, तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड को एक अपर हैंड मिलता है। साथ ही पावर फिगर की बात कर ले तो रॉयल एनफील्ड में 40 PS की पावर है, वहीं पर मैवरिक में आपका 27.32 PS की पावर है। तो पावर में यार ज़मीन आसमान का अंतर है, ऑलमोस्ट आपका 12 PS ज़्यादा है रॉयल एनफील्ड, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। टॉर्क की बात कर ले तो रॉयल एनफील्ड में 40 Nm का टॉर्क है, मैवरिक में 36 Nm का टॉर्क है। तो दोनों टॉर्क की मशीन है, बट स्टिल रॉयल एनफील्ड में पावर तो काफ़ी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है। प्राइस रेंज रॉयल एनफील्ड आपकी ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ेगी अगर आप गोरिल्ला 450 लेना चाह रहे हो तो। वहीं पे मैवरिक जो है वो आपकी 2,75,000 के आसपास आती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो 20,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं बोल सकते। और ये सारी चीज़ें कर लेते हैं एक बार दोनों में ड्रैग की परफॉर्मेंस कैसी है रोड पे। पहले मैं चलाऊंगा मैवरिक, बैठ गया भाई, कहाँ ओहो भाई, बहुत आगे चली गई भाई, बहुत है इसको उसका है। मैवरिक और उसमें बहुत डिफरेंस है। मैवरिक भाई बहुत पीछे हो गई, अब देखते हैं कि पकड़ पाती है कि नहीं पकड़ पाती है। वैसे होना भी चाहिए था, अभी एनएस से बेचारी जीती है और मैवरिक एनएस से इजली हार जा रही थी, तो जिसने एनएस को हरा दिया वो मैवरिक उसके सामने क्या ही खड़ी होगी। देखो 5वें गियर पे मैवरिक चला रहा हूँ मैं, 137-138 चल रहा है। हमें लग रहा है मैवरिक से तो 5वें गियर में आउट ऑफ रीच हो जा रही है गाड़ी। 6 गियर में क्या ही होगा। फोर्टी आ गया, 6ठा गियर लगा दिया टॉप एंड और वहां पे वो गायब हो गई है भाई, गोरिल्ला ऑलमोस्ट गायब है, ऑलमोस्ट गायब है, कोई फायदा नहीं है। कोई कंपटीशन नहीं है परफॉर्मेंस में भाई, कोई कंपटीशन नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। कहते ना ये 19-20 के अंतर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। परफॉर्मेंस के मामले में मैवरिक गोरिल्ला के आसपास भी नहीं है भाई, डिफरेंस है इतना ज़्यादा, आप लोग देखो ना इतना ज़्यादा डिफरेंस है। नो 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 नो, अब आ रही मैवरिक, हम मोड़ के गाड़ी खड़े हो गए हैं, खाली नाम का ही है उसमें 440। इतना ज़्यादा डिफरेंस है, भाई कहाँ 40 PS, कहाँ 27-28 PS,
भाई 10-12 PS जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। उसके अलावा टॉर्क भी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि पावर कम है तो टॉर्क ज़्यादा हो, सब कुछ कम ही कम है, कुछ ज़्यादा नहीं है। भाई बहुत पीछे रह जा रही है भाई, पता ही नहीं चल रहा। तो देखो पहले रेस में इजली आपकी गोरिल्ला आगे निकल गई, बहुत इजली। कर लेते हैं चेंज राइडर। मुझे लग रहा है मैवरिक से ज्यादा मजा आ रही है इसको भगाने में, और बहुत पीछे होगी मैवरिक, 100% बहुत पीछे होगी। बोल लो अब हम कौन से लोग स्ट्रिंग लगाए, कौन सा क्या लगाए, वो तो रॉकेट हो गई भाई। बाइक से कितनी सेक्सी लग रही है, चौड़े टायर, वाइड टायर, और आपके इंडिकेटर, इनबिल्ट टेल लाइट, वाओ, अलग दूर से ही दिख रही है गाड़ी की कोई जा रही भाई। भाई 5वें गियर में मैवरिक को बीट कर देगी। देखो 149, ये मैवरिक की टॉप स्पीड है जो ये 5वें गियर में कर रही है। पांचवे गियर में आ गए हैं, अब वो तो अब तक 150 क्रॉस कर गई होगी, 125 127, अभी कल तक पहुंचेंगी 135 136 137। कोई भाई कोई वही नहीं है। जो ये 5वें गियर में कर रही है, अभी देखो मैंने 6ठा गियर नहीं लगाया भाई, जरूरत ही नहीं है। जो ये 5वें गियर में कर रही है वो मैवरिक 6ठे गियर में नहीं कर पा रही, और करती भी है तो बहुत जाके एकदम लास्ट में। छठा गियर लगा देता तो मैं गायब ही हो जाता भाई, रेस का क्या ही तुक बनता, बेचारा अकेले गाड़ी चलाता। हम तो नाम के 440 हैं, लगता है जब तक अपनी टॉप स्पीड कर लेगी तब तक टॉप स्पीड। मैंने छठा गियर नहीं लगाया इस बार, 151 पहुंच गई 5वें गियर में, 40 पहुंचने में ऐसे भाई तो इसकी टॉप स्पीड ही 150 151 है। बहुत ज्यादा आएगी 154 जाएगी, वो 5वें गियर में 151 पहुंच गई थी, अभी तक लिमिटर नहीं आया। तो ये थी ड्रैग, और आपने देखा कि भाई गोरिल्ला ने उसको इतनी आराम से हराया है, मैवरिक को इतनी आराम से हराया है कि अगर ये गोरिल्ला है तो वो आपका छोटा सा वो क्या बोलते हैं, मंकी जो होते हैं ना, जो आज के शहरों में आते हैं छोटे वाले, वो है। तो ये डिफरेंस है। तो आप मुझे बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। सोशल मीडिया हैंडल मेरा एंड एक्सप्लोर है, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, IAM.SoloTraveler और इंस्टाग्राम पे। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। Keep being awesome, और भाई साहब क्या पावरफुल मशीन बनाई है, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस, मज़ा आ गया।